विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बढ़ती आबादी पर निराशा जताने पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। उन्होंने यूपी के सीएम से पूछा कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तविकता देखें तो मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग ही हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में बिना किसी कानून के 2026-2030 तक वांछित प्रजनन दर हासिल की जाएगी। ओवैसी ने कहा कि उनके अपने स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए देश में किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। 2016 में कुल प्रजनन दर 2.6 थी, जो कि अब 2.3 है। देश का डेमोग्राफिक बंटवारा सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्या की असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना हो। लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत करते हुए योगी ने कहा, जब हम परिवार नियोजन जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्या की असंतुलन की स्थिति भी ना पैदा होने पाए। योगी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की गति या किसी समुदाय का प्रतिशत अधिक हो और हम मूल निवासियों की आबादी को स्थिर करने के लिए जागरूकता या परिवर्तन के माध्यम से कार्य कर रहे हों। उन्होंने कहा कि इसका धार्मिक जनसंख्यिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वहां अराजकता और अव्यवस्था शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में बात करते हैं तो ये सभी के लिए और जाति धर्म भाषा या क्षेत्र के ऊपर एक समान होना चाहिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां वर्तमान जनसंख्या 24 करोड़ से अधिक है और आने वाले कुछ वर्षों में यह 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि बीते 5 वर्षों से देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।